फैक्टेक्स की ऑसम फैक्ट की वर्षा होने वाली है और उसके लिए रेडी हो जाओ। वियना यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के हिसाब से जिसके बच्चे जितने ओल्डर एज में होते हैं वो उतना कम इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव जन्म लेते हैं। मतलब किसी का अगर 25 साल की उम्र में बच्चा हुआ और किसी का 40 साल में हुआ तो 25 वाला बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। फैक्ट नंबर 33, न्यूयॉर्क सिटी में एक होमलेस मैन था जिसका नाम था गंगाराम महेश। जी हाँ, ये इंडियन ही था। वो जानबूझकर चोरी करता था और जानबूझकर अपने आप को जेल में भेजता था क्योंकि जेल में उसे कम से कम एक बेड और खाना तो मिल जाता था और होमलेस रहने पर तो कुछ नहीं मिलता था। दैट्स एक्चुअली ब्रिलियंट, इजंट इट। फैक्ट नंबर 32, साल 2006 में एक 84 साल की बूढ़ी औरत जिसका नाम था एडिट मैकफील्ड, उसने $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ का ऑफर रिफ्यूज कर दिया जो कि उसे एक शॉपिंग मॉल कंपनी दे रही थी ताकि वो कंपनी घर को रिप्लेस करके उस जगह शॉपिंग मॉल बना पाए। उस घर वाली से कहा गया कि 7 करोड़ से तुम कहीं और घर बना लो, पर उसने $1 मिलियन का ऑफर रिफ्यूज कर दिया। सो, वो शॉपिंग मॉल उसके घर के चारों तरफ बना दिया गया। पिक्सार की अप मूवी जो कि 2009 में निकली थी वो इसी से इंस्पायर्ड थी। फैक्ट नंबर 31, साल 2013 में एक 10 साल का लड़का जिसका नाम है ग्रिफिन सैंडर्स अपनी दादी माँ का जान बचाया। उसकी ग्रैंड माँ कार चला रही थी और वो बैठा हुआ था, तभी अचानक उसकी ग्रैंड माँ बेहोश हो गई किसी स्ट्रोक के चलते और तभी उसने तुरंत कार का कंट्रोल लिया और तब उस लड़के ने कार को संभाला और कई मीटर्स तक कार को चलाया भी और सक्सेसफुली बचा भी लिया अपनी दादी माँ को। उससे जब पूछा गया कि तुमने ये कैसे किया तो उसने कहा कि उसने मारियो कार्ट गेम में ड्राइव किया था और ये स्किल उसने यहाँ भी लगाया, मतलब एक गेम के चलते इनकी जान बच गई। इसको आप पबजी से भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप पबजी अच्छा खेलते हो तब आपको अगर असल में बैटल फील्ड में भेज दिया जाए तब भी शायद आप अच्छे से शूट कर लोगे। फैक्ट नंबर 30, जिराफ इस दुनिया का सबसे कम सोने वाला जानवर है। जिराफ 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट ही सोता है। फैक्ट नंबर 29, साल 1991 में बिलियनेयर जॉर्ज बार्बर ने अपने घर के बड़े से गार्डन में अलग अलग डायनासोर्स के स्टैचूज को रख दिया और इनकी कीमत अरबों में थी। हाँ, जब आप बिलियनेयर यानी खरबपति होते हो तब तो आप आराम से डेली अरबों रुपए खर्चा कर सकते हो, है ना। फैक्ट नंबर 28, ऐसे जनरली तो बोथ मेन एंड वुमेन 1 मिलियन यानी 10 लाख कलर्स को देख सकते हैं अपनी आंखों से, पर दुनिया में ऐसे कई स्पेशल लड़कियां हैं जिनकी आंखों में 100 मिलियन कलर सेंसर्स होते हैं यानी वो 10 लाख के जगह 10 करोड़ कलर्स को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 27, एलिस पिक एक 35 साल की महिला एक बार एक फेक $1 मिलियन का एक नोट बनाई और एक शॉप से करीब $1,675 की शॉपिंग की। नोट देने के बाद वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसे उस शॉप का ओनर बाकी $998,325 एक्सचेंज में दे देगा। कैसे अजीब लोग इस दुनिया में, है ना। फैक्ट नंबर 26, अप्रोक्सीमेटली हर साल 27 लोग एलिवेटर का इस्तेमाल से मर जाते हैं लिफ्ट फंस जाना या फिर वायर कट एक्सीडेंट्स के चलते, पर सीढ़ियों के एक्सीडेंट से 27 नहीं बल्कि एस्टिमेटेड 1600 लोग हर साल मरते हैं। वियर्ड फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 25, स्पिरिट्स से कांटेक्ट करने का जो टूल होता है जिसे वीजी बोर्ड कहते हैं उसे उसका नाम 1890 में मिला था। बोर्ड से कनेक्टेड एक स्पिरिट से खुद पूछा गया था कि इस नए इन्वेंटेड बोर्ड का क्या नाम रखें, तो ओ पर पॉइंटर गया, फिर यू पर पॉइंटर गया, आई पर पॉइंटर गया, जे ए, और ऐसे इसका नाम पड़ा वीजी बोर्ड। हाँ, पता है वीजी औजा प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। अब घोष्ट ही स्पेलिंग सिलेक्शन किया है तो ऐसे ही स्पेलिंग आएगा ना। फैक्ट नंबर 24, सैंडी आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच में है उसे मैप्स पर पिछले 200 सालों से देखा गया है, पर 2012 में साइंटिस्ट्स के एक टीम ने उस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहा और वहां गया भी और उन्हें ये पता चला कि जो आइलैंड मैप पर 200 से भी ज्यादा सालों से थी वो तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं। फैक्ट नंबर 23, सेडी रेनी जॉनसन 2013 में जानबूझकर जंगल में आग लगा दी क्योंकि उसके फायर फाइटर दोस्तों को कोई काम नहीं मिल रहा था, पर ये आग एक्चुअली 206 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया और गवर्नमेंट को इसे बुझाने में 50 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा और फायर को कंट्रोल करने में 2 महीने लग गए।
फैक्ट नंबर 22। मैंने तो ये आपको पहले बहुत बार बता चुका है कि गूगल अपने कंपनी में लोग हायर करते वक्त CGPA, परसेंटेज और टेस्ट स्कोर्स नहीं देखता। पर आज और एक फैक्ट जान लो कि गूगल की एक टीम है जिसमें 14% एम्प्लॉइज कभी कॉलेज गए ही नहीं। तो ग्रेड तो दूर की बात है। फैक्ट नंबर 21, एलॉन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल का रट्टू सिस्टम एलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल बना डाला और उस स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा, मतलब टू द स्टार्स। फैक्ट नंबर 20, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इकलौती चीज जो आपके दिमाग के लिए सबसे खतरनाक है वो क्या है, इसका आंसर है एंगर, यानी गुस्सा। एंगर एक्चुअली आपके दिमाग के लिए एक जहर का काम करता है। जब आप गुस्सा होते हो तब आपके ब्रेन का डिसीजन मेकिंग पार्ट बंद हो जाता है और ओवर टाइम ये सिर्फ दिमाग को ही नहीं पर आपके हर्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उन लोगों की हार्ट अटैक की चांसेस ज्यादा होती है। तो सवाल ये है कि गुस्से को कम कैसे करें, तो 1-10 रूल अपनाइए। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए तब 1-10 तक गिनना शुरू करिए ताकि आपका डिसीजन मेकिंग पार्ट शट डाउन न हो और जैसे ही 10 खत्म हो तब आप दिमाग से काम ले पाओ न कि गुस्से से। इस टेक्निक से आप दिमाग के शट डाउन वाले पार्ट को बायपास कर सकते हो इवन एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम एंगर। फैक्ट नंबर 19, माइकल शिकोनेटी ओहायो का एक जज है और ये गुनाह करने वालों के प्रति एक चीज प्रदान करते हैं जिसे क्रिएटिव जस्टिस कहते हैं। क्राइम करने वाले लोगों को ये अनयूजुअल टाइप का पनिशमेंट देते हैं, जैसे एक औरत जो 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके टैक्सी का भाड़ा जानबूझकर नहीं दी, गिल्टी पाए जाने के बाद उसे इन्होंने ये सजा दिया कि उसे 40 किलोमीटर चलना होगा लगातार और वो भी 48 घंटों के अंदर। क्रिएटिव इजंट इट। फैक्ट नंबर 18, जब सिफिलिस बीमारी पहली बार आई थी तब ज्यादातर देश इस बीमारी का नाम एक दूसरे के ऊपर रखते थे। अंग्रेज इसे फ्रेंच डिजीज कहते थे, फ्रेंच इसे द स्पैनिश डिजीज कहते थे और जापानीज इसे द चाइनीज पॉक्स कहते थे। फैक्ट नंबर 17, टेक्सास में एक टाउन है जिसका नाम है अर्थ और इस अर्थ पे वही एक इकलौती जगह है जिसका नाम है अर्थ। फैक्ट नंबर 16, सूरज के तरफ चेहरा करने पर छींक जो आती है वो फोर्टिक स्नीज रिफ्लेक्स के चलते होती है और इस फेनोमेनन को ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हीलियो ऑप्थाल्मिक आउटबर्स्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसे ADCHOO आछू भी कहते हैं। नाम रखने वाले साइंटिस्ट्स का भी कितना दिमाग है ना। फैक्ट नंबर 15, एक एलिफेंट है जिसका नाम है कौशिक और वो अपने ट्रंक को अपने मुंह में डालकर हेलो, गुड, नो, सिट डाउन, लाई डाउन ऐसे वर्ड्स को कोरियन भाषा में बोल सकता है। फैक्ट नंबर 14, हम लोग एक इंटायर बैग ऑफ चिप्स को आराम से खा सकते हैं ना। एक्चुअली में चिप्स में वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी होता है, मतलब ये आपके टंग और ब्रेन को ट्रिक कर देता है और आपके ब्रेन को लगता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं। चिप्स कंपनी वाले कितने चालाक होते हैं ना। फैक्ट नंबर 13, 200 कैलोरीज बर्न करने के लिए आप 18 घंटे च्युइंगम चबा सकते हो, लिप बाम को 1500 बार यूज कर सकते हो या फिर किसी 5 मिनट के गाने को 23 बार गा सकते हो। फैक्ट नंबर 12, मान लो आप किसी जगह पर बैठे हो और आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है तो एक्चुअली आपका दिमाग सही ही बताता है, कोई एक्चुअली में आपको देख रहा होता है क्योंकि आपके दिमाग में एक प्राइमल गेज डिटेक्शन सिस्टम मौजूद होता है और वो ये पता कर लेता है कि कोई आपको देख रहा है कि नहीं। फैक्ट नंबर 11, एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है क्रिएटिव होम इंजीनियरिंग वो आपके घर में ऐसे रूम्स बना सकती है जो कि हिडन होती है, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, पासवर्ड से रूम खुलेगा। मैं इन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता हूँ यार। फैक्ट नंबर 10, अगर आप पानी में करीब 9 मीटर तक अंदर चले जाओ तब आपका ब्लड ग्रीन नजर आने लगता है, ये इसलिए क्योंकि पानी के 9 मीटर अंदर कोई रेड कलर नहीं होता। फैक्ट नंबर 9, साल 2012 में जब मियाओ नाम की कैट का डेथ हुआ जिसका वेट था 18 kg और जो सबसे ज्यादा वजन वाली कैट थी, तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हैवीएस्ट कैट की रिकॉर्ड बंद कर दी क्योंकि दुनिया भर में लोग जानबूझकर अपने कैट को ओवर ईटिंग करवाते थे और 15-20 किलो तक पहुंचाने की कोशिश करते थे ताकि कैट हैवीएस्ट बन जाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाए और इसके चलते बहुत सारी कैट डेथ्स हो रही थी इसलिए रिकॉर्डिंग ही बंद करवा दी गई। फैक्ट नंबर 8, बासमा हमीद जो कि एक कैनेडियन वुमेन है
वो एक आविष्कार की कि जले हुए चमड़े को कैसे ढकें और कैसे उसको एज नेचुरल एज पॉसिबल डिस्प्ले करवाएं। वो खुद बचपन में एक स्कार फेस की थी और उसे सक्सेसफुली ठीक भी कर दी। रिजल्ट सच में चौंका देने वाले थे और अब वो एक बिजनेस वुमन बन गई है और अपने क्लिनिक में वो जले हुए स्किन वाले बाकी लोगों को ठीक करती है। फैक्ट नंबर 7, फिल्म एक्ट्रेस हेडी लेमार सिर्फ एक फिल्म एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक मैथमेटिशियन भी थी और उन्होंने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक का भी आविष्कार किया था जो आज भी ब्लूटूथ और वाईफाई में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब आप जो ब्लूटूथ और वाईफाई यूज करते हो ना, वो इन्हीं की देन है। फैक्ट नंबर 6, क्विक सैंड तो आप जानते ही होंगे, जो रेत आपको खींचने लगता है। तो एक सर्वे के हिसाब से रेत आपको अंदर नहीं खींचता, बल्कि आप जो पैनिक करते हो ना, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, 90% केसेस में उसके चलते आप अंदर जाते हो। नहीं तो एक जगह रहकर क्विक सैंड में अंदर जाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 5, साल 1915 में एक करोड़पति जिसका नाम था सलील चुब, उसने अपने वाइफ के लिए पूरा का पूरा स्टोन हेंज सिर्फ $10,000 में खरीद लिया, पर उसकी वाइफ को स्टोन हेंज पसंद नहीं आया और इसलिए उसने उस जगह को उतने ही दाम में ब्रिटेन को बेच दिया और आज उसकी कीमत $51 million है, यानी कीमत उस समय के मुताबिक 5100x बढ़ गई है, 5100 गुना। फैक्ट नंबर 4, साल 1910 में जब प्रेसिडेंट टाफ्ट से पूछा गया कि एक काम करने वाले वर्कर को कितना वेकेशन टाइम मिलना चाहिए साल में, तब उन्होंने कहा साल में कम से कम 3 महीने। दुनिया कितनी बदल गया है ना, आजकल की दुनिया में एक साल में एक वर्कर को एवरेज में सिर्फ 15 दिन का वेकेशन मिलता है। फैक्ट नंबर 3, एक इंसान जिसका नाम है चीटो, उसने एक मरते हुए क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया और उसका नाम रखा पोचो, पर जब भी वो उसे दूर जाता पोचो अजीब हरकतें करने लगता क्योंकि उसको चीटो के साथ रहना था। आप यकीन नहीं करोगे, एक बेस्ट फ्रेंड के जैसे आज भी वो साथ रहते हैं टू दिस डे। फैक्ट नंबर 2, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कई क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से जिन लोगों को अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती है वो एक्चुअली दिमाग पर कोई नकारात्मक असर नहीं करती। इंडिया और अफ्रीका में मोस्टली लोग अपने फैमिली मेंबर्स की आवाजों को सुनते हैं और अमेरिका में लोग मोस्टली चिल्लाने की आवाजों को सुनते हैं। फैक्ट नंबर 1, जेरोम रोडेल एक लॉन्गेविटी एक्सपर्ट, मतलब ज्यादा दिन तक कैसे जिए इसके फैक्ट्स बताने वाले एक्सपर्ट, वो एक बार इंटरव्यू दे रहे थे जब वो 71 साल के थे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी न्यूट्रिशन का इतना ध्यान देता हूँ कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 100 साल तक तो आराम से जी लूंगा। एक्सेप्ट इस लाइन को बोलने के 2 मिनट बाद लाइव इंटरव्यू में ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे उनकी मौत हो गई। दुनिया कितनी आयरोनिक है ना। #bonusfact, ये बोनस फैक्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसीज के म्यूजिक हैं जो आपके दिमाग को और तेज कर देगा और आपके स्मरण शक्ति और एकाग्रता शक्ति को बढ़ा देगा बाइन्यूरल बीट्स के जरिए, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बीट्स हैं। इस ऐप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ध्यान देना, नीचे वाली लिंक ही इकलौती वन एंड ओनली ऑफिशियल लिंक है। किसी और सोर्स, वेबसाइट या स्टोर्स पर मौजूद फेक कॉपीज पर ट्रस्ट मत करना, वो फेक कॉपीज आपके दिमाग में काम नहीं करेगी। नीचे मैंने जो लिंक दिया है सिर्फ और सिर्फ वही ओरिजिनल है, उसे ही यूज करना। इस ऐप में आपको कई तरह के बीट्स मिलेंगे। पढ़ाई के पहले स्टडी म्यूजिक सुनो और उसके बाद आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में एफिशिएंटली प्रोसेस होने लगेगा। दिमाग तेज करना है तो जीनियस फ्रीक्वेंसी सुनना और ये आपके इंटेलिजेंस को इंक्रीज करेगा। मेमोरी म्यूजिक से आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैजिक ब्रेन सिंक बीट से आपके दिमाग की दोनों पार्ट एक साथ सिंक्रोनाइज होकर तेजी से लाइटनिंग स्पीड से काम करने लगेगी। और भी ऐसे कई तरह के म्यूजिक हैं इस ऐप में। फोन के लगभग 70% वॉल्यूम में डेली बस 10 मिनट म्यूजिक को सुनो अपने गोल के हिसाब से और कुछ ही हफ्तों में आप अपने दिमाग को बदला हुआ पाओगे। इतने सारे लोगों की जिंदगी पलटने वाली इस ऐप की कीमत हजारों में नहीं बल्कि सिर्फ ₹199 है। प्राइस कभी भी बदल सकता है, इसलिए अभी मौका का फायदा उठा लो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे। फिर आप ₹199 पर क्लिक करना और उसके बाद अपनी क्रेडिट कार्ड
डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई भी पेमेंट डिटेल्स डालना और पे करने के बाद ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर ऐप को ओपन करो और अब आप सारी की सारी बीट सुन सकोगे। डाउनलोड करने के बाद ऐप को ओपन करके रेट दिस ऐप पर क्लिक करके प्ले स्टोर पे 5-स्टार रेटिंग भी दे देना। अगर आपको ऐप पसंद आया तो याद से दे देना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। पहले से ही कर दिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स।